नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 आगे का सोल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, अन्य वीडियो की लिंक नीचे पड़ी है, उन्हें आप जाकर देखें। यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन को मैं ऊपर नीचे एक्स अंश से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इसी के साथ जो एक्स है इसको हम ऊपर लाएंगे तो नीचे जो पावर आपके प्लस की होती है ऊपर आकर माइनस की हो जाती है। ऊपर बन गए एक्स की पावर एन माइनस वन बट्टे एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी आपका इंटीग्रेशन ऑफ इस फंक्शन का बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स माइनस वन डी एक्स बटे एक्स की पावर एन प्लस वन। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, आपका जो एक्स की पावर एन है इसको हम टी मान लेते हैं, लेट एक्स की पावर एन बराबर टी। उसके बाद बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ जो आपका वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाता है। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन आपका आगे आ जाता है और इसमें से एक कम हो जाता है जो पावर होती है, ओके। और साथ में आपका ये डी एक्स इस तरफ आ गया, बोथ साइड एन से डिवाइड करते हैं तो एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी बटे एन, इस प्रकार का आपका सॉल्यूशन निकल कर आया है। अब देखिए, जो एक्स की पावर एन माइनस वन गुणा डी एक्स है इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी टी बटे एन लिख सकते हैं। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, एक्स की पावर एन को टी, नीचे टी प्लस वन आ गया। अब जो आपका यहाँ पर ये फंक्शन बना है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगेन लेट वन बाई टी टी प्लस वन बराबर ए बट्टे टी प्लस बी बट्टे टी प्लस वन, यानी यह ए के नीचे और बी के नीचे ये वाला आपका फैक्टर। चलिए यहाँ तक लिख दिया, उसके बाद आगे क्या करें, बिल्कुल सिंपल इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का गुणा आएगा। अब देखो इसके नीचे कौन है, टी है, तो ऊपर किसका गुणा होगा, टी प्लस वन का गुणा होगा। इसके नीचे टी प्लस वन है तो ऊपर किसका, टी का गुणा होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। अब बोथ साइड ये आपका है, ये है, तो इसको बोथ साइड यदि टी प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वन बराबर क्या आ गया, यहाँ पे एक अंदर गुणा करते हैं तो ए टी प्लस ए प्लस बी टी आ गया। देखिए यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, टी को मैंने बाहर ले लिया तो ये आ गया और प्लस आपका ए आया है। अगले स्टेप में हम लिखते हैं दोनों पक्षों में टी के गुणांक व अचर पदों की तुलना से देखो टी का गुणांक यहां पर क्या है, ए प्लस बी है। इस तरफ देखो टी का कोई भी गुणांक नहीं है तो बराबर जीरो आ गया। अचर पद यहां पर ए है, इस तरफ देखो अचर पद आपका वन है, तो यहां से आपका देखो बी बराबर क्या बन जाता है, ए को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का है, दूसरी ओर आपका माइनस का हो गया। यहाँ से बी बराबर कितना आ गया, आपका माइनस वन आ गया। तो इसीलिए ये आपका फंक्शन क्या बन गया, वन बाई टी टी प्लस वन। ध्यान से देखो ए का वैल्यू वन आया है तो वन बाई टी बन गया, बी के वैल्यू माइनस आया तो माइनस वन बाई टी प्लस वन बन गया। अब हमारा टारगेट क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना, इसीलिए वन बाई एन डी एक्स बटे टी टी प्लस वन। ये जो फंक्शन है इसके जगह अभी हमने इसको फ्रैक्शन में तोड़ा, क्या है वन बाई टी माइनस टी प्लस वन, ओके। यहाँ जो आपका ये फ्रैक्शन में टूट के आया है इसको वापस से यहाँ पर लिखना होता है। अब क्या करना है, लिखने के बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ टी,
वन बाई टी प्लस वन का इंटीग्रेशन लोग मोड ऑफ टी प्लस वन, और प्लस ये आगे। अब हम जानते हैं कि लोग एम माइनस लोग एन बराबर आपका लोग एम बटे एन होता है, यानी लोग की प्रॉपर्टी से यहां पर क्या बन गया, टी बटे टी प्लस वन। देखो टी का मतलब क्या है, एक्स की पावर एन है, ठीक है। यह इसका आपका कुछ ऐसा शानदार वाला सॉल्यूशन निकल कर आया है। ये टी की पावर एन का मतलब मैंने क्या क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे टी हमने किसको माना, एक्स की पावर एन को माना है। अब ये एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका, और वीडियो हो सकता है कि इस पास अपना ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे आपके पार्ट कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, तो फिर आज इसको सम अप करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो हमने इस फंक्शन को स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन के फॉर्म में मान लेना है, उसके बाद साइन एक्स को हम टी मान ले। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है, ये वो इंटीग्रेशन है जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा उसका इंटीग्रेशन करते हैं। यानी यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ रही, एक तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आपको पार्शियल फ्रैक्शन। यानी क्या मतलब हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पार्ट सी में आते हैं जो कि थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, आपका साइन का डेरिवेटिव होता है सर आपका कोस, और ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा बराबर डी टी आ गया। तो आपका ये क्या बन गया, इसकी जगह देखो डी टी, साइन को आपने टी माना है। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, लेट वन बाई वन माइनस टी टू माइनस टी बराबर ए बटे वन माइनस टी प्लस बी बटे टू माइनस टी बन गया। यहाँ वन है इसका देखो इसके साथ गुणा, और इसका इसके साथ गुणा। अब क्या करते हैं इसका अंदर गुणा करते हैं, तो टू ए आ गया, इसका अंदर गुणा करते हैं तो बी आ गया, और यहाँ पर माइनस ए टी आएगा, और यहाँ पर माइनस बी टी आएगा। टी को बाहर लेंगे तो माइनस ए माइनस बी आ गया, ठीक है। ऐसे एक स्टेप में आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको आप अलग अलग टुकड़ों में करके दो तीन स्टेप में करके सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी मर्जी है। अब देखिए हम लिखते हैं दोनों पक्षों में टी के गुणांक व अचर पदों की तुलना, देखो यहां पर आपका टी का गुणांक क्या है, आपका माइनस ए माइनस बी। इस तरफ टी का गुणांक कुछ भी दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, तो बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया, ओके। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका, टू ए प्लस बी है, यहाँ कांस्टेंट कितना है आपका, वन है। देखिए यहाँ से वन से आप देखो जब बी को उस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ जो माइनस का होता है दूसरी ओर प्लस का हो जाता है, यानी बी बराबर कितना आ गया, माइनस ए आ गया। तो यहाँ पर बी बराबर आप माइनस ए रखेंगे तो टू ए माइनस ए कितना ए आएगा, ए बराबर वन आ गया, तो आपका बी बराबर कितना बन गया, माइनस वन बन गया। तो ये जो आपका वैल्यू निकल के आया इसको हम यहाँ पुट करते हैं, तो आपका फंक्शन वन बाई वन माइनस टी गुणा टू माइनस टी बराबर ए का वैल्यू कितना, वन, वन माइनस टी बन गया। बी का वैल्यू माइनस वन, यानी माइनस वन बाई टू माइनस टी बन गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसीलिए आपका आई बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन माइनस वन बाई इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपका वन बाई टू माइनस टी, ठीक है।
और आप चाहते हैं तो इसको यहाँ लिखो, फिर इसके आगे ये रखो, फिर उसको अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जितने आप दो चार स्टेप और ऐड करना चाहते हो आपकी मर्जी से, कोई कोई स्टेप मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अब देखिए, वन बाई वन माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो आपका साइन होता है कॉन्स्टेंट के साथ वो बाहर आ जाता है, और इसका क्या बनता है, लॉग मोड ऑफ वन माइनस टी बनता है। अब कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर माइनस साइन आपका बाहर आएगा, जो इसके सॉरी मैं उल्टा बोलिए, जो आपका यहाँ पे वेरिएबल के गुणा में है, कांस्टेंट का नहीं, जो वेरिएबल के गुणा में होता है, कांस्टेंट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। चलिए हम पूरा डिटेल से बात करेंगे इसका, और प्लस सी आ गया, ठीक है। यहाँ माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो गया, ये क्या बन गया, प्लस का लोग टू माइनस टी, और ये माइनस का लोग वन माइनस टी है। अब देखिए लोग की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, टू माइनस टी, और टी का मतलब यहाँ पे क्या है आपका साइन एक्स है। ध्यान से देखो, आपने टी किसको माना था, साइन एक्स को माना था, बट्टे वन माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस सी आ गया, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे किया उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो आपका वन माइनस टी है इसको मैं जेड मान लूँ, डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी बराबर माइनस डी टी बराबर डी जेड आएगा, यानी डी टी बराबर माइनस डी जेड आ गया। तो यहाँ पे माइनस डी जेड इसके जगह आपका जेड, और वन बाई जेड का क्या होता है, लॉग मोड ऑफ जेड होता है, हमेशा ध्यान रखिए। वन बाई एक्स का क्या होता है, लॉग मोड ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे जेड है तो जेड जेड आ जाएगा। अब देखिए जेड का वास्तव में मतलब क्या है, ऐसा सेकेंड टर्म का भी ऐसे ही हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ गया है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपने 18 की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यहाँ पे आपको मिला सर एक्स स्क्वायर प्लस वन गुणा एक्स स्क्वायर प्लस टू बट्टे एक्स क्यूब प्लस थ्री गुणा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। देखिए ऊपर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन टू। देखिए ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री फोर है, नीचे के पॉलिनोमियल की डिग्री भी फोर है, यानी डिग्री कैसे चेक करते हैं, आपके पॉलिनोमियल में एक्स की मैक्सिमम पावर, नीचे भी एक्स की मैक्सिमम पावर फोर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो नीचे का आपका पॉलिनोमियल है उसका ऊपर के पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, ध्यान रहे, ओके। और यदि डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री जैसे थ्री मिल जाती, तो आपका नीचे के पॉलिनोमियल से कम है, तो फिर हम आगे इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते, ओके। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा इसको अरेंज करो। इसको अरेंज कैसे करेंगे सर, देखिए इसको मुझे कितना बनाना है, एक्स प्लस थ्री बनाना है, तो इसमें मैं टू ऐड कर दूँ, टू माइनस कर दूँ, तो वन प्लस टू कितना हो गया थ्री, और माइनस टू, ओके, रहेगा तो वन ही, थ्री माइनस टू कितना, वन ही रहेगा, लेकिन हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इसमें देखिए मैं 2 ऐड कर दूँ, 2 माइनस कर दूँ, तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 2 प्लस 2, और ये माइनस 2 आ गया। नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने फिर गलती कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने गलती से क्यूब लिख दिया, यहाँ पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों ऐसी कोई कहीं गलती हो जाए तो दोस्तों उसको जो आप अपने खुद की तरफ से देख लेना चाहिए, क्योंकि हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, तो किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप हमारे सामने तो बैठे नहीं होते कि तुरंत बता दें, तो इसीलिए बाद में बता देना चाहिए कॉमेंट करके, उस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, यहाँ पर इनका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको एक पद मानो, इसको पूरा एक पद मानो, तो इसका देखिए इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री गुणा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। ये इसका तो देखिए
गुणा हो गया इसके साथ इसके साथ इसके साथ। अब माइनस टू का गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और माइनस गुणा माइनस गणित में प्लस होता है यानी प्लस फोर आ गया। बट्टे क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री गुणा एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। अब देखो यहाँ पे इसमें इसका डिवाइड आ जाएगा, और ये जो बाकी है इसको एक पूरा पद मान लो, इसमें भी डिवाइड आ जाएगा। और यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह ले लो। अब देखिए माइनस टू के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एट प्लस फोर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री गुणा एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ गया। ये आपका कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम, वन टाइम। यहाँ पर देखो कितना माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ गया, ये कितना बन गया सर आपका माइनस फोर बन गया, सिक्स माइनस फोर कितना माइनस टेन आ गया। बट्टे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री गुणा एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। यहाँ से सर माइनस साइन बाहर ले ले तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाता है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो इसको हमें किस में तोड़ना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा लेट फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन बटे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब देखिए हम देखते हैं कि इसके आगे फैक्टर कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर जो एक्स स्क्वायर का होता है उसका ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। इसका थोड़ा सा अलग तरीका रहता है, ए एक्स प्लस बी बट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब बी तक ले लिया था आगे सी एक्स प्लस बी बट एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टेन ए एक्स प्लस बी, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, और फिर नीचे इन दोनों का गुणा आएगा। इस तरफ भी देखिए नीचे इन दोनों का गुणा है तो वो दोनों और आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका अंदर गुणा करो देखो तो क्या बन गया ए एक्स क्यूब प्लस फोर ए एक्स बन गया, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी बन गया, यहाँ पे सी एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो सी एक्स क्यूब प्लस थ्री सी एक्स बन गया, d का अंदर गुणा करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी बन गया, बराबर क्या चल रहा है आपका फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन चल रहा है। अगले स्टेप में क्या करेंगे सर, सिंपल सा प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में देखो x की पावर मैक्सिमम कितना है थ्री है, एक्स स्क्वायर है x है के गुणांक व अचर पदों की तुलना से। देखो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पे आपका a है, उसके बाद आपका c है, इस तरफ देखो एक्स क्यूब का आपका कोई भी गुणांक नहीं है, इसको देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ सही रहेगा, इस तरफ देखो एक्स क्यूब का कोई भी गुणांक नहीं है तो बराबर ये कितना आ गया जीरो, यहाँ से ए बराबर कितना आ गया आपका माइनस सी आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करते हैं, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे देखो आपका डी है, उसके अलावा कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिखाई नहीं दे रहा है भी नहीं, सही है। ठीक है, इस तरफ देखो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है फोर है, ये आपका इक्वेशन टू आ गया। उसके बाद बात करते हैं एक्स के गुणा की, यहाँ पे कितना है फोर ए है, यहाँ पे कितना है सर आपका थ्री सी है, कितना फोर ए और थ्री सी है, उसके अलावा एक्स का गुणांक आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
ठीक है, और इस तरफ देखिए कोई एक्स का गुणांक नहीं है तो बराबर कितना, जीरो आ गया। उसके बाद कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट देखो यहाँ पर कितना है, 4b है, उसके बाद आपका 3d है, यहाँ पे कितना है आपका बराबर 10 है, ये आपके प्लस 3d माइनस 3b माइनस 3d, यहाँ पे 10 माइनस 1 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, 4b माइनस 3b बी आ गया बराबर माइनस 2 आ गया, b का वैल्यू माइनस 2 यहाँ रखते हैं तो d बराबर आपका आ गया सर 4, देखिए माइनस है तो इस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा बराबर 6, ये आ गया आपका b का वैल्यू और ये आ गया आपका d का वैल्यू। अब इन वैल्यू को हम कहाँ पे उठा कर पुट करते हैं, यहाँ उठा कर पुट करते हैं, तो इसका दोनों का वैल्यू जीरो आया आपका a और इसका, तो इसका और इसका वैल्यू आया, तो ये आपका सिंपल सा फॉर्म में बन जाता है आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए अभी केवल इसको इतने को लिखते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में आ जाओ, उस पूरे के जगह हम लिख देंगे 4x² प्लस 10 बटे x² प्लस 3 गुणा x² प्लस 4। बी की जगह कितना निकल कर आया है सर आपका, माइनस 2 निकल कर आया है, नीचे कितना है x² प्लस 3 है, और डी की जगह आपका 6 निकल कर, देखिए सी का 0 है, जी का 0, ये दोनों पद तो 0 हो जाएंगे, इसकी जगह 6 निकल कर आया है x² प्लस 4। तो अब हम पूरे इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 x² प्लस 2 x² प्लस 3 x² प्लस 4 dx। यहाँ पे देखो इसको आप 1 दे दो, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 में रखकर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखो यहाँ पे इसमें क्या, 1 तो 1 है और फिर माइनस ये आपका फंक्शन आता है, इस फंक्शन की जगह अब आपका क्या बन गया है, ये बन गया है, अब देखो यहाँ पर हम 1 का जानते हैं x होता है, माइनस साइन है बाहर, माइनस प्लस हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखते हैं। ओके अगले स्टेप में 3 को क्या लिख सकते हैं हम, अनरूट 3 का स्क्वायर, ये माइनस साइन है बाहर आ गया, 2 का क्या लिख, सॉरी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आपको 1/a टेन इनवर्स एक्स होता है इंटीग्रेशन का वैल्यू, तो यहाँ आ गया आपका सर टेन इनवर्स एक्स बटे अनरूट 3, यहाँ आ गया 2/ टेन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस सी, यानी एक्स प्लस 2/√3 टेन इनवर्स एक्स बाई अनरूट 3, यहाँ पे ये कितना आपका 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाता है, यानी माइनस 3 टेन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस सी। ओके तो ये है इसका आपका फाइनल आंसर, अब दोस्तों आपके फिर भी क्वेश्चन है जो बच गए हैं और उनको हमें जो अब अगले वीडियो में ही देख पाएंगे।